नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आज एक और नए मोटर ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज एक्सप्लोर करेंगे स्टेट हाईवे बाईपास, जो कि जोधपुर पाली हाईवे से शुरू होकर जोधपुर जयपुर हाईवे पर ख़त्म होता है। जोधपुर जयपुर हाईवे 25 बाईपास को एक्सप्लोर करते हुए आपको बताता हूं कि यदि आप बालोतरा की तरफ से आते हो तो आपको सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिटी के ट्रैफिक से बचने के लिए आपको भांडू कला से सीधा सालावास के लिए विलेज रोड द्वारा सालावास आ सकते हो, और सालावास से ये बाईपास मिल जाती है। सालावास के तेल डिपो से शुरू होकर डांगियावास से नेशनल हाईवे 25 तक आती है, जिसके रास्ते में आने वाले गांव हाईवे के ऊपर आता है मोगड़ा, और फिर अंदर जाते आता है गुड़ा, गुड़ा से खेजड़ली, खेजड़ली से पितावास, और पितावास से डांगियावास। ये इस बाईपास पर पड़ने वाले गांव हैं। यदि आप नए हो तो ये आपके लिए जानकारी बहुत काम आएगी। दोस्तों अब ये आगे अभी जो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये पितावास गांव के अंदर घुस रहे हैं। आप देखते रहिए रोड। राजस्थान के विलेज है, पितावास। राजस्थान जोधपुर संभाग के ये विलेज है पितावास। अभी आपने व्यू में देखा है, सरकारी हॉस्पिटल, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल है। यहाँ पर काफी 20-25 साल पहले मेरे होम विलेज से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर है, तो हम बचपन में यहाँ आते थे। तो एक डॉक्टर था आयुर्वेदिक, आप मानोगे नहीं, एक टेबलेट दे देता था कैसा भी बुखार टूट जाता था। हर मर्ज का इलाज वो जानता था, हर मर्ज का। और गांव वासियों के लिए तो एक तरह से वो संजीवनी था। हम उस डॉक्टर को संजीवनी ही बोलते थे, कौन सा डॉक्टर था, संजीवनी डॉक्टर, यानी मरते हुए को बचा लेता था, शानदार। हाईवे में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं अच्छी तरह आपको समझा पा रहा हूँ और आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए ज़रूर, और हमको बताइए ज़रूर। Thank you.
बाईपास निकाल दिया है शहर के नजदीक में। पहले ये पुराने टाइम में ये बाईपास है, वो शानदार बाईपास है। तो जयपुर अजमेर से आने वाली दिल्ली और इधर से आने वाली गाड़ियाँ और ट्रैक्टर, विशेषकर जो सलावास का तेल डिपो है, वहाँ से सप्लाई के लिए यही रोड इस्तेमाल होता था। अब तो बहुत कम हो गया इसके रोड का इस्तेमाल। आप ट्रैफिक देख रहे हो, ट्रैफिक लाइन के बराबर है। अब तो लगभग ही आसपास के ग्रामवासी ही इधर उधर आ जा रहे हैं, इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आउटसाइडर तो अभी आउटसाइड एरिया के ट्रक तो अभी इस रास्ते पर आते ही नहीं है। लगभग नए ड्राइवर तो ये रास्ता जानते भी नहीं है। जो पुराने ड्राइवर है इस रूट में चले हैं, जो हरियाणा से या पंजाब से निकलने वाले ज्यादातर इसी रास्ते से निकल रहे हैं। अभी तो एक और वो मेगा हाईवे निकल चुका है जो सिर अमृतसर जाता है, बाड़मेर जैसलमेर होते हुए। तो अभी तो जो पंजाब और हरियाणा जाने वाली गाड़ियां लगभग उस रास्ते पर चली जाती है। और बाकी इस रास्ते पर आने वाली वही गाड़ियां जो विशेषकर जयपुर में और जयपुर के लिए भी अभी उधर से वाया पाली से होते हुए सीधी निकल जाती है गाड़ियां, वो सोचे धोते हुए बर और फिर प्यावर और अजमेर होते हुए जयपुर को निकल जाती है और फिर आगे दिल्ली को निकल जाती है। तो ज़्यादातर फर्क है जो बॉम्बे और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाली गाड़ियों लगभग वो रूट पकड़ लेती है, तो इस रूट पर कम ही है, इसलिए तो ट्रैफिक सुविधा के बराबर है। आप इतनी देर में हाईवे पर चल रहे हैं, आपने कोई ट्रक नहीं देखा होगा। और पहले यहाँ रोड पर गांव वालों को निकलना मुश्किल था, इतना ट्रैफिक रहता था। अब तो ये डर लगता है कि सुनसान रोड पर कहीं साइड से कोई निकल के नहीं आ जाए, कोई बच्चा वगैरह या पशु वगैरह, तो वो थोड़ा ज़्यादा डर रहता है। थोड़ा हाईवे पर अभी हम डांगी आवास पहुँच गए हैं, लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे है। मुख्य गांव तो हाईवे पर रह जाता है, लगभग 2 किलोमीटर में ये बसा हुआ गांव है, 1.5 किलोमीटर में। ज्यादा बड़ा तो गांव नहीं है ये डांगी आवास पर, हाईवे के हिसाब से इम्पोर्टेंट गांव है, विशेष गांव है। और ज़्यादातर आप मेरे पहले वीडियो में लगभग देख ही चुके होंगे कि डांगी आवास में पहले भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो उसमें डांगी आवास मावा और चाय के लिए फेमस है। या कोई हर कोई बाई रोड की गाड़ी होती है वो यहाँ होल्ड जरूर करती है और चाय पी के जरूर जाते हैं। Thank you.
गाड़ी खड़ी थी, शायद लगता है इनका जेब खाली हो गया है, जुगाड़ के लिए खड़े हो गए आके। ये कोई ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर रहे हैं, बस ये बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं, ये पब्लिक की मदद नहीं कर रहे हैं, ये पब्लिक को परेशान करने के लिए खड़े हैं। वैसे तो देखा जाए तो पुलिस नहीं हो तो फिर पब्लिक तो सर पर चढ़ के नाचने लग जाती है, क्योंकि तो पब्लिक एक झुंड एक ऐसी चीज होती है, वो जानवरों से भी बदतर होता है, क्योंकि तो वहाँ एक बुद्धि नहीं होती है, अनेक बुद्धियाँ काम करती है। तो पुलिस है तो लोग शांत है, और इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है, ये लोग क्या होते हैं कि बेजा फायदा उठाते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में दो नंबर का धंधा करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि आदमी ईमानदार आदमी भी परेशान होता है इनके चक्कर में। वीडियो पूरा देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद आपका, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपका प्यार ही मेरे को वीडियो